हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स व्हाट इफ समस्क यू टू फाइंड द आंसर्स फॉर दिस थ्री क्वेश्चंस व्हिच आर अपेरिंग ऑन योर स्क्रीन इन ए स्पैन ऑफ जस्ट टू जस्ट फाइव टू टेन सेकेंड यस फ्रेंड्स आपने सही सुना टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीस थ्री क्वेश्चन इन स्पैन ऑफ़ फाइव टू टेन सेकेंड इफ़ यू कैन फाइंड द आंसर्स इन फाइव टू टेन सेकेंड आप इस वीडियो को पॉज करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखें और ये भी मैंशन करें कि आपको कितना टाइम लगा क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसके माध्यम से आप जस्ट दस सेकेंड के अंदर अंदर ही इतने सा, सारे कठिन सवालों के आंसर आप जस्ट दस सेकेंड में निकाल पाएंगे और जो सवाल मैं स्क्रीन पे मेंशन किया हूँ ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एन का रिटर्न एग्जामिनेशन एयरफोर्स का रिटर्न एग्जामिनेशन नेवी का रिटर्न एग्जामिनेशन exam, में एज इट इज़ आ चुका है सो फ्रेंड्स वीडियो तक वीडियो में अंत तक बने रहें सो वी आर मूविंग ओवर टू दिस शॉर्टकट विच आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज कॉल्ड हैश टैग शॉर्टकट ये हैशटैग शॉर्टकट वाली सीरीज़ में हम क्या पढ़ेंगे मैं ऑलरेडी कई सारे चैप्टर जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे चैप्टर का ऑलरेडी कई सारे शॉर्टकट वीडियो में बना चुका हूं आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इसे आप देख सकते हैं आज का जो शॉर्टकट होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने होने वाला है क्योंकि इससे ऑलरेडी कई सारे एग्जाम जैसे कि सी डी एस एन डी एस एस सी नेवी एयरफोर्स सीटेड रेल रेलवे में एग्जाम ऑलरेडी आ, आ चुके हैं सो so, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आज एक ऐसी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप जस्ट दस सेकेंड में ही आंसर निकाल पाएंगे सो so, अब बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट की ओर देखिए इसमें आपको पहले क्या फाइंड करना है मतलब सॉल्यूशन ऑफ फ्यू क्वेश्चंस बाय असमशन मेथड और ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ एम क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल है तो आजकल जितने भी एग्जाम लोग दे रहे हैं सारा तो एम फॉर्मेट हो हो गया एम का मतलब हो गया है ओ का फॉर्मेट जिसमें ऑप्शन दिया है रहता है तो सारा ओ फॉर्मेट हो गया है तो अब देखिए इस मेथड का नाम है वन टू थ्री स्माइल मेथड मतलब हमें वन टू थ्री चाहे कोई और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू रखकर उसका आंसर निकालना है तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको ये ट्रिक बताना चाहूँगा जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे अपीयर हो गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अगर इफ़ ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी देन आर आस्किंग टू फाइंड ई माइनस सी और आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी अगर आप इसका आंसर जस्ट दो सेकंड में निकाल पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके कमेंट में जाके इसका कमेंट दें और ये भी मेंशन करें अपना टाइमिंग अब देखिए इसका आंसर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अपने आप आप कोई एपी का फॉर्मेट अस्यूम कर लें अब देखिए एपी का फॉर्मेट हम अपने आप अस्यूम कर लेते हैं लेट एस टेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एज वन ए पी एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ एज वन ए पी आप इस दोनों को कंपेयर करें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ए से लेकर एफ तक एक ए पी में है तो आप अपने आप अस्यूम कर लें एक से लेकर छः तक एक ए पी और दोनों को इक्वल कर दें अब देखिए जैसे कि यहाँ पे वन हो गया ए के बराबर दो हो गया बी के बराबर इसी इसी तरह से छः हो गया एफ के बराबर अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई माइनस सी अब देखिए ई e का वैल्यू कितना होगा ई e आ आर आए पाँचवें नंबर पर तो ई e का वैल्यू हो पाँच हो जाएगा यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा तीन सो ई माइनस सी इज विच इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री विच इज इक्वल टू टू आपका टू आंसर आ गया लेकिन ये टू आपको ऑप्शन में अभी नहीं आया है आपको जो सी एफ डी डी सी डी सी ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनके बदले में आपको ये वाले सब्स्टिट्यूट करने हैं तभी आपका आंसर आएगा अब देखिए हम कर करते हैं अब अगर जो हम पहला ऑप्शन लेंगे तो पहला ऑप्शन हो गया टू इन टू सी का वैल्यू कितना है सी सी का वैल्यू तीन है माइनस वन सो तीन माइनस वन कितना हो जाएगा दो दो इंटू टू इट विल बिकम फोर लेकिन हमारा आंसर कितना आया था दो लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है फोर तो फर्स्ट ऑप्शन गया फर्स्ट ऑप्शन है नहीं आएगा अब हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की ओर सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है टू इंटू एफ माइनस डी तो इस केस में टू इंटू एफ का मान कितना हो जाएगा एफ का मान होगा सिक्स सिक्स माइनस डी कितना है फोर सिक्स माइनस फोर टू 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 या फोर लेकिन यहाँ पे आंसर आ पा रहा है टू जो कि अगेन इक्वल नहीं है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है टू इंटू डी माइनस सी सो फ्रॉम थर्ड ऑप्शन टू इंटू डी का मान कितना हो जाएगा चार माइनस सी का मान कितना हो जाएगा तीन सो चार माइनस तीन वन सो टू वन जा टू यहाँ पे भी टू यहाँ पे पे भी टू तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी देखिए अब अब ऑप्शन नंबर सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आई होप सभी लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लें अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है इट इज सिंपल टू प्रीवियस क्वेश्चन ओनली सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है अगर पी क्यू आर कोई ए पी में है एक्स वाई जेड कोई जी पी में है तो आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू यह देखने में तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड है देखने में लग रहा है कि एक्स टू दाव पावर क्यू माइनस आर वाई टू दी पावर आर माइनस पी जेड टू दी पावर पी माइनस क्यू बहुत ही बड़ा कोई इक्वेशन होगा बट असल में ये कुछ नहीं है जस्ट तीन से पाँच सेकेंड का खेल है अब अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर को ए पी में नंबर अस्यूम करने के लिए बोल रहा है तो ठीक है हम कोई नंबर अस्यूम कर लेंगे पी क्यू आर वन टू थ्री एज पी क्यू आर एक्स वाई जेड कोई जी पी का नंबर अस्यूम करना है तो ठीक है चार आठ सोलह कोई जी पी का नंबर अस्यूम कर लेंगे अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम इसका वैल्यू डाल देंगे अब देखिए हम इसका वैल्यू डालते हैं यहाँ पे वैल्यू डालना है एक्स टू दी पावर क्यू माइनस आर एक एक्स कितना है हमारा एक्स है हमारा चार तो चार टू दी पावर क्यू माइनस आर क्यू कितना है तो क्यू हो जाएगा दो आर कितना हो जाएगा तीन सो क्यू माइनस आर सो दो माइनस तीन यहाँ पे दो माइनस तीन हो गया इंटू यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर है वाई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई का वैल्यू है हम हमारा आठ सो आठ टू पावर कितना है आर माइनस पी सो आर कितना है आर है यहाँ पे तीन पी कितना है वन सो थ्री माइनस वन सो यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस वन इंटू जेड जेड कितना है हम, हमारा जेड है हमारा सिक्सटीन सो so, हो जाएगा सिक्सटीन टू दावर पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वन पी हो गया हमारा वन q हो गया हमारा टू सो so, हो जाएगा वन माइनस टू सो इट विल बिकम सिक्सटीन टू द पावर वन माइनस टू सो इन दिस केस अब आप अगर जो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा फोर टू दावर टू माइनस थ्री सो इट विल बिकम फोर टू दावर माइनस वन विच विल बिकम वन बाई फोर इन है तो इन टू लिख कर देंगे एट टू दावर थ्री माइनस वन सो इट विल बिकम एट टू द पावर थ्री माइनस वन टू सो इट विलम एट स्क्वायर एट स्क्वायर इजकल टू सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटीन टू द पावर वन माइनस टू वन माइनस टू हो जाएगा पावर माइनस वन सो इट विल बिकम सिक्स पावर माइनस वन विच इजल टू वन बाई सिक्सटीन अब आप इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो देखिए सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर 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 जा वन वन आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में है तो आपका डिज़ायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया जस्ट अगर जो आप इसको एग्जाम में सोल्व करने बैठ जाए तो आपको जस्ट ये दस सेकेंड का खेल है आई आई होप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार इसका स्क्रीन ले लें अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज जो सीरीज ये दिया गया है और ये गाइस एक बार मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है सो इन दिस केस सीरीज दिया हुआ वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर प्लस वन प्लस टू प्लस टू टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टिल इन टर्म्स यहाँ पे देखने में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ऑप्शन भी बहुत अजीब अजीब सा ऑप्शन है आप इसे देखकर अचंभित ना हो जाए डरा ना जाए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है एन टू दावर एन प्लस टू 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 दाव पावर एन टू टू द पावर एन प्लस वन टू टू पावर एन प्लस वन इस सारे ऑप्शन देखो आप, देख आप अचंभित न हो आपको जस्ट वन टू थ्री वाला मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है सो so यहाँ पे हम वन टू थ्री वाला मेथड अप्लाई करते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो हम वी विल टेक एन इज इक्वल टू टू यू कैन टेक एन एन इक्वल टू एनी नंबर इज यू कैन टेक एनी एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री सो आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एन इक्वल टू टू ले रहा हूँ तो जब एन इक्वल टू टू लेंगे मतलब आपको दो टर्म लेना है सो so, दो टर्म हम एक हो गया एक टर्म ये हो गया एक दो टर्म मतलब आपको ये दो दोनों टर्म लेना है तो ठीक है हम दो टर्म लेंगे पहला टर्म कितना है वन प्लस टू वन प्लस टू प्लस सेकेंड टर्म कितना है वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर हम सेम टर्म यहाँ पे लिखेंगे सो इट विल बिकम थ्री प्लस टू टू स्क्वायर विल बिकम फोर प्लस टू प्लस वन फोर प्लस थ्री इट विल बिकम सेवन प्लस थ्री इट विल बिकम टेन सो नाउ हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने पर कितना आया टेन आया अब हम वही एन का मान ऑप्शन में डालेंगे और जिस ऑप्शन से हमारा टेन आंसर आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सो वी विल टेक फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए अब देखिए हम ऑप्शन नंबर ए ले रहे हैं टू टू दी पावर एन के जगह पर हम कितना डालेंगे एन के जगह पर दो डालेंगे सो टू प्लस टू इट विल बिकम फोर माइनस एन कितना था दो था माइनस फोर सो दो के पावर फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन माइनस टू माइनस फोर जो कि कितना हो जाएगा टू फोर सिक्स सो सिक्सटीन माइनस सिक्स विच विल बिकम टेन यही देखिए आपका टेन यहाँ भी आया यहाँ भी आया इसीलिए हमारा डिज़ायर्ड आंसर क्या हो गया हमारा डिज़ायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आपको जस्ट अगला बी सी डी को सोल्व भी नहीं करना है अगर अगर जो पहले से ही आंसर आ गया तो यही आपका डिज़ायर्ड आंसर है आई होप सभी लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत बहुत ही इजी होने वाला है देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है दे आर आस्किंग टू फाइंड द सम ऑफ दी सीरीज सीरीज़ क्या है वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस एन इसका वैल्यू हमें निकालना है इसका जस्ट दस सेकेंड का ये काम है एज एज आई टोल्ड यू अर्यर इसके लिए अगेन आप जस्ट प्रीवियस वाले मेथड ही अप्लाई करें जस्ट आप एन के बदले में कोई वैल्यू आ, अस्यूम कर सकते हैं अपने से आप कोई भी वैल्यू ले लें ले, एक दो तीन चार मैं आपके बेटर कन्वीनियंस के लिए जस्ट दो लिया हूँ तो अगर जो आप एन का वैल्यू दो लें तो इसके लिए आपको दो टर्म आपके क्वेश्चन से लेना है आप जस्ट ये सबको भूल जाएं ये सबको भूल जाएँ अब देखिए दो टर्म लेंगे तो वन स्क्वायर इट विल बिकम वन वन प्लस वन टू यहाँ पे वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू 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 स्क्वायर प्लस टू अब देखिए इसको अगर जो हम सोल्व करते हैं वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू सो टू स्क्वायर विल बिकम फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू इट विल बिकम एट सो एट हमारा आंसर आ गया लेकिन एट ऑप्शन में अभी नहीं दिया गया है तो अब हम ऑप्शन में एन का वैल्यू दो डालकर चेक करेंगे जिस वैल्यू जिस ऑप्शन में दो डालने पर आठ आंसर आ रहा है वही आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा देखिए जैसे कि सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर वन में डालकर चेक करते हैं कितना डालना है एन का वैल्यू टू डालना है तो अब हम डालते हैं तो एन इंटू एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन के जगह पे दो डालेंगे दो इंटू दो प्लस वन तीन बाई टू दो तो कट गया कितना आंसर आया तीन लेकिन यहाँ पर तो आठ आ रहा है यहाँ पे तीन आ रहे हैं मतलब पहला आंसर नहीं होगा अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन बी के पास ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू टू दी होल स्क्वायर अभी हम यही क्वेश्चन में सॉल्व किए एन इन टू एन एन प्लस वन उसका आंसर थ्री आया अब इसका स्क्वायर करना है थ्री स्क्वायर हो जाएगा नाइन नाइन आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो एट दिया हुआ है अगेन ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री अब इस वाले केस में एन के जगह पे दो रखेंगे सो इट विल बिकम टू इंटू टू प्लस वन थ्री इंटू टू प्लस टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसल फोर टू जा एट यही एट आपका इसको सोल्व करने से आया यही एट आपको इसको सोल्व करने से आया अब आपका डिज़ायर्ड आंसर क्या हो गया अब आपका डिज़ायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कितना सिंपल था जस्ट आप इसे देखकर डरा ना जाए एग्ज़ाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन आई आई होप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे एक बार इसका आप स्क्रीन ले लें अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर आपके जस्ट बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं इतनी सारी एग्जाम्पल लिया हूँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी आर इन एच पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इस वाले केस में ए बी सी डी को एक एच पी अस्यूम करने के लिए बोल रहा है देन देर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और आपको ऑप्शन में भी दिया गया है ऑप्शन ए हो गया थ्री ए डी प्लस ए ए प्लस बी ऑप्शन बी हो गया फोर ए डी ऑप्शन सी हो गया थ्री ए डी ऑप्शन डी हो गया ए बी सो सबसे पहले आपको कोई ऐसा चार नंबर लेना है जो कि एच पी में हो एच पी मतलब हारमोनिक प्रोग्रेशन में हो सो so, हमें ये पता है कि अगर एक दो तीन चार डॉट 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 इन्फिनिटी अगर ए पी में है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा एच पी में होता है मतलब अगर एक दो तीन चार ए पी में है तो एक, एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार डॉट 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 एक बटे इनफिनिटी हमेशा एच पी में होगा मतलब ये एक एच पी का सीरीज है तो उसी के माध्यम से हम इसको अस्यूम कर, कर लेंगे एक एच पी का सीरीज सो यहाँ पे हम अस्यूम कर लिए हैं एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार एक बटे पाँच आर इन एच पी सो वी कैन टेक वन बाई टू एज ए वन बाई थ्री एस बी वन बाई फोर एच सी वन बाई फाइव एस डी आई होप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ए बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने के लिए बोल रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बी सी को मल्टीप्लाई करके एड ऐड करना है सी डी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो सेम चीज़ हम यहाँ पर खरीदेंगे अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए कितना है ए हो गया हमारा वन बाई टू बी कितना है बी हो गया हमारा वन बाई थ्री सो वन बाई टू तो वन बाई थ्री अब अब इसको हम ऐड करेंगे अब बी सी को मल्टीप्लाई करना है बी सी मतलब ये ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर प्लस अब ए सी को मल्टीप्लाई करना है मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वन बाई फोर इंटू वन बाई फाइव आई होप यहाँ तक सभी लोग समझ गए तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे सो so, ऐड करेंगे सो इट विल बिकम वन बाई सिक्स वन बाई ट्वेल्व वन बाई ट्वेंटी अब आप इसका एल लेंगे तो सिक्सटी आ, आ जाएगा अब इसके बाद इसके बाद तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है अब इसको हम अगर जो तो टोटल सोल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एटीन बाई सिक्सटी और अगर जो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर विल बिकम थ्री बाई टेन मतलब थ्री बाई टेन आ रहा है किसे सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अब हम ऑप्शन में ए बी सी डी का वैल्यू डालकर चेक करेंगे जिस वाले ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा डिज़ायर्ड आंसर होगा तो देखिए अब हम चेक करते हैं जैसे कि यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है कि ऑप्शन सी हो सी होगा तो अब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट सी में ही इसका वैल्यू डाल दे रहे हैं अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या बोल रहा है ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है थ्री ए डी सो अब यहाँ पे हम ए और डी का मान डाल देंगे सो इट विल बिकम थ्री इन ए कितना है ए हो गया हमारा वन बाई टू कितना है डी हो गया हमारा वन बाई फाइव सो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू वन इंटू वन इट विल बिकम थ्री डिवाइडेड बाई फाइव टू जा टेन अब देखिए यहाँ भी थ्री बाई टेन आया और यहाँ भी थ्री बाई टेन आया तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर क्या हो गया अब हमारा डिज़ायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा कर चेक कर लें आपको थ्री बाई टेन नहीं आएगा इसीलिए ये ये और ये हमारा आंसर नहीं होगा इसलिए हमारा आंसर हो जा, हो जाएगा थ्री ए डी आई होप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसन यहाँ पे इफ़ एंथ टर्म ऑफ एन एपी ये एक एपी का सीरीज है एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ है उसका एंथ टर्म टू एन माइनस वन है देन दे आर आस्किंग व्हाट इज सम ऑफ एंथ टर्म दे आर आस्किंग एस एन मतलब ए एन दिया हुआ है और एस एन पूछा गया है तो इसके लिए अगेन हम वही अप्लाई करेंगे वही वाला मेथड तो अप्लाई करेंगे तो देखिए एंथ टर्म दिया हुआ है टू एन माइनस वन सो एंथ टर्म के लिए हम वन टू थ्री फोर ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो अगर जो हम वन डालेंगे तो टू वन या वन टू माइनस वन इट विल बिकम वन तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया वन सेकेंड टर्म के लिए टू डालेंगे तो टू 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 जा फोर फोर माइनस वन थ्री अगर जो हम थ्री डालेंगे टू थ्री जा सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव अगर अगर जो हम फोर डालेंगे तो फोर टू जाए एट एट, एट माइनस वन सेवन वही इस, इसी तरह से अगर जो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये एक्चुअली में ऑड नंबर का सीरीज़ बन रहा है तो जब ऑड नंबर का सीरीज़ बनेगा तो आप इसमें क्या करेंगे आप इसमें सबसे पहले का जगह पे जै, जैसा कि पहले बताया कोई नंबर ले लें इनके जगह पे एक दो तीन चार जो भी आपको ले, लेना है ले लें तो हम आपके एग्जाम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एन के जगह पे टू ले रहा हूँ तो टू जब लूँगा तो जब टू लूँगा तो आपको दो टर्म देखना है तो पहला और दू, दूसरा टर्म तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे तो वन प्लस थ्री विच विल बिकम फोर अब आपको वही एन का वैल्यू ऑप्शन में डालकर चेक करना है जिस ऑप्शन से दो डालने पर फोर आ रहा है वही ऑप्शन आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन में डालकर चेक कर दे रहे हैं तो जब हम ऑप्शन नंबर वन में डालेंगे एन के जगह पे दो तो ऑप्शन नंबर वन क्या बोल रहा है एन स्क्वायर सो दो डालेंगे तो दो स्क्वायर विच विल बिकम फोर देखिए फोर यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया फोर सो so, आपका डिज़ायर्ड आंसर फोर हो गया फोर मतलब एन स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर एक अब आप ये ऑप्शन ये ऑप्शन चाहे ये ऑप्शन में आप एन के जगह पे दो डालकर चेक कर लें फोर नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा आपका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर आई होप सभी लोग ये सिक्स क्वेश्चन समझ गए होंगे एक बार इसका स्क्रीन ले लें सो so, आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लाया हूँ आप इस सारे तीनों क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें आप ले। और आप तीन तीनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके उसी ट्रिक के मेथड से वन टू थ्री वाला मेथड समसन मेथड से इसको फाइंड करें और कमेंट में जाकर कमेंट करें और अगर अगर जो आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर है रहे हैं जैसे कि एस रेलवे डी एस बैंकिंग तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर सकते हैं और अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली से अपने कलीग्स को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल टिल दी एंड थैंक यू जय हिंद